गर पसिग बिताना यो साथ में ए हे मसेदा की गली बौरन की आवे सोल कौन मशीन और क्रिटिक और मैं हूं अरिफान। तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा बैकग्राउंड, ये है हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये मैंने चेंज किया हुआ। इसी तरह के वीडियो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, मैं टिकटॉक की वीडियो में मैं ज़्यादातर ये बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। तो बहुत से दोस्त टिकटॉक पर भी कमेंट्स करते हैं और मैसेजेस करते हैं कि यार आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड किसी तरह चेंज करते हो। तो बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को आज डिटेल के साथ बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड है, ये पर्दा है, मेरे पीछे पर्दा लगा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह के एक पर्दा लगाना है, उसके सामने खड़ा होना है और वीडियो बनाना है। तो आपने बैकग्राउंड आप वो चेंज कर सकते हो आसानी से। तो सारा के सारा डिटेल के साथ बताता हूँ, आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देख लेना है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आए। तो इसी तरह एडिटिंग हम काइनमास्टर से करते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरिफ क्रिटिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल की बटन भी लाजमी दबाएं ताकि मैंने आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी पहुंचे, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, जाते हैं अपने मोबाइल में काइनमास्टर ऐप पर और वहाँ पर आप लोगों को इसी तरह की एडिटिंग सिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने चेंज करना है अपने वीडियो का बैकग्राउंड। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो वेलकम दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने काइनमास्टर ऐप पर। तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है यहाँ प्लस के आइकन पर, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, ये जो सबसे पहले वाला ब्रैकेट है ना 16:9, तो इसको सेलेक्ट कर देना। लेकिन अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हो तो आप लोगों ने 9:16 ये जो दरमियान वाला है इसको सेलेक्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, 9:16 यहाँ पर मैं टिकटॉक के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, मैं आप लोगों को सारा डिटेल के साथ बताता हूँ। तो इसी तरह के इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर मीडिया का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देता है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों की गैलरी जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, जो भी आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करो। बैकग्राउंड आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है, सिंपली आप लोगों ने यूट्यूब से डाउनलोड कर, वीडमेट से, जहाँ से आप लोग वीडियो डाउनलोड करना करते हो वहाँ से आप लोग बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड वहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है बैकग्राउंड वीडियो, बस सिर्फ बैकग्राउंड वीडियो, गार्डन वीडियो या पहाड़ी, जो भी आप लोग बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर दिया, आप लोगों को दिखाई देता है। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है, तो इसको मैं कैसे सेट करता हूँ आप लोग देख सकते हो। तो मैं ये टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस बैकग्राउंड को इसी तरह के सेट कर देना है और उंगली की मदद इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट का निशान आप लोगों को दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद उंगली की मदद से इसको इसी तरह के बड़ा कर देना है। तो ये देख सकते हो मैंने बड़ा कर दिया। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने कलर एडजस्टमेंट आप लोगों को दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक करते हैं और इसका कलर जो है ना वीडियो का ये थोड़ा अच्छा कर देते हैं, इसमें थोड़ा ग्रीन ही लाते हैं। तो इसी तरह की इस वाले को फुल कर देना और ये जो है ना इसको इसी तरह के दरमियान में लेके जाना है। तो आपका जो वीडियो का कलर है ये बहुत ही अच्छी तरह बन चुका है। तो अब आप लोगों ने वही वीडियो जो आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, आप लोगों ने वही वीडियो यहाँ पर सेट कर देना है। तो लेयर पर जाते हैं, मीडिया पर जाते हैं, यहाँ पर एक वीडियो मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो कौन सी वाली वीडियो है, तो फर्ज करें मैं ये वाला वीडियो यहाँ पर सेट करता हूँ। तो इसका जो फजूल होता है ना इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसी तरह के कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए बताता हूँ, ये मेरी YouTube की वीडियो है लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर 15 सेकंड का वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, तो इस वाले को इसी तरह के दोनों तरफ से कट कर देना है। और ये बैकग्राउंड जो है ना ये भी ज्यादा लंबा है तो इसको भी थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ, तो इसको भी मैंने इसी तरह के कट कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को क्रॉपिंग दिखाई देता है, तो क्रॉपिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऊपर ये जो पर्दे के और जो दीवार दिखाई देता है तो इसको इसी तरह के कट कर देना है।
अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को जरूरी बात बताता हूँ, आप लोगों ने इस तरह के ग्रीन पर्दा लाजमी लगाना है, या ग्रीन, ये ग्रीन नहीं है ये नीला है, या ग्रीन या नीला, ये दोनों पर्दे में से एक पर्दा आप लोगों ने पीछे इसी तरह लगाना है जैसे कि मैंने लगाया है। अगर इसी तरह आप लोगों ने पर्दा नहीं लगाया तो आपका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पर्दा जरूर आपने आपके पीछे लगा देना है, फिर आपका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। आप लोग ये पर्दा बाजार में जहाँ में मिल सकता है आप लोगों को आसान कीमत से, तो आप लोगों ने इसी तरह के एक पर्दा पीछे लगा देना है, फिर आपका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। तो देखिए आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो वीडियो को यहाँ पर सेट करते हैं। सेट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को क्रोमा की दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक करते हैं और इस इनेबल को इसी तरह की इनेबल कर देते हैं। तो आपका ये जो वीडियो है ना ये कुछ इस तरह के हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, आप लोगों का जो बैकग्राउंड है ना ये ज्यादातर गायब हो चुकी है, लेकिन कुछ और हैं यहाँ पर। आप लोगों ने बैकग्राउंड हमारा अच्छी तरह से मुकम्मल तरीके से यानी 50% खत्म हो चुका है, लेकिन 100% खत्म नहीं हो चुका है। आप लोगों ने यहाँ से एडजस्ट कर देना है अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को दिखाई देता है कि मैंने इसे इसी तरह के एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा इधर उधर होता है, ये अच्छी तरह से कट नहीं होता। मैं क्रॉपिंग पर क्लिक करता हूँ और इसे इस तरह के करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना ये मुकम्मल तरीके से सेट हो चुका है। किसी को लगता भी नहीं है कि ये आपका ओरिजिनल बैकग्राउंड है या आपने चेंज किया है। तो आप लोगों को एक बार मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, तो आप लोग वीडियो देखिए कि किसी तरह जो हमारा वीडियो है ना वो बन चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक ओरिजिनल बैकग्राउंड में खड़ा हूँ, और वो ग्रीन पर्दा नीला पर्दा मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी वीडियो बनाना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह बनाना है। तो इसी तरह वीडियो बनाकर आप लोगों ने YouTube पर भी अपलोड कर सकते हो, TikTok पर भी अपलोड कर सकते हो, TikTok में जो भी साउंड लगाना चाहते हो वो साउंड लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग इसी तरह के अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ली, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया कि आप लोगों ने बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, आप लोगों ने ये तरीका सीख लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का नाम आप लोगों को दिखाई देता है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, हमारा जो कुछ भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।